आज ही हमारे पास दोस्तों दो परफेक्ट कॉम्पिटिटर्स यानी कि बोट अवंडेवार 1500-1550 दोनों एक ही मॉडल हैं, एक अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे, एक अमेजोन पे, बार बार बोलता हूँ मैं, दोनों सेम ही हैं। और दूसरा है सोनी D40, दोनों ही 7000 से 7500 के प्राइस ब्रैकेट के बीच आपको मिल जाएंगे और डील में हो सकता है और सस्ते आपको मिल जाएँ। तो इनका परफेक्ट जो एक मैच है, एक फाइट है, आज हम करने वाले हैं, दोनों को भिड़ाने वाले हैं आपस में और देखने वाले हैं कि कौन सा आपके लिए परफेक्ट है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा परफेक्ट है। एक सिस्टम किसी और पर्सन के लिए बनाए, एक दूसरा सिस्टम हो सकता है किसी और पर्सन के लिए हो। तो साउंड टेस्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। उससे पहले कुछ जरूरी बातें कनेक्टिविटी ऑप्शंस की दोस्तों हम बात करें तो वहाँ बोट क्लियर विनर है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि उसमें HDMI और ऑप्टिकल दिया गया है, लेकिन उधर दूसरी तरफ सोनी में नहीं है। USB दोनों में है, AUX दोनों में है, ब्लूटूथ दोनों में है, और उस ब्लूटूथ में भी ब्लूटूथ वर्जन 5.0 बोट में है और 2.1 वर्जन सोनी में है। सोनी का जो टोटल पावर आउटपुट है 80 वॉट का है, जिसमें से कि सैटेलाइट स्पीकर 10-10 वॉट के हैं और 3.1 इंच का ड्राइवर साइज है उनका, और सब बूफर 6.3 इंच का ड्राइवर साइज है, 44 वॉट RMS का है आपका सब बूफर। बोट अवंडेवार पूरा सिस्टम ये 120 वॉट का, जिसमें 60 वॉट का साउंड बार और 60 वॉट का सब बूफर जो कि 6.5 इंच का है। ओके, दोनों के ही बेस पोर्ट में किसी भी तरह की प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलती है, चूहों से बचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो और रिमोट कंट्रोल की दोस्तों बात करूँ, रिमोट कंट्रोल में ज़्यादा फीचर आपको मिल जाते हैं बोट की तरफ, क्योंकि इसमें आपको बेस ड्राइवर का कंट्रोल भी मिल जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है। सोनी में आपको किसी भी तरह का बेस कंट्रोल का फीचर नहीं मिलता। तो जल्दी से कर लेते हैं दोस्तों साउंड टेस्ट, आप ईयरफोन्स लगा लीजिए और बाकी साउंड एक्स्ट्रा साउंड सैंपल्स आपको सुनने हो हिंदी इंग्लिश पंजाबी, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने एक सॉन्ग को दो बार प्ले किया, यानी कि पहले मैंने प्ले किया है बोट में और दूसरे फिर प्ले किया है सोनी में, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप ईयरफोन लगा लीजिए, फिर बात करते हैं इसके साउंड आउटपुट पर। तो दोस्तों आई होप आपने ईयरफोन लगा के टेस्ट कर लिया होगा। अब मैं बाकी आपको चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि जो माइक है एक्चुअल क्वालिटी आपको नहीं बता सकता, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि जो हमारे कान सुन सकते हैं वो माइक नहीं सुन सकता है एट एनी कॉस्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों लाउडनेस की। लाउडनेस दोनों ही थम्स अप, लाउडनेस के मामले में दोनों में ही कोई भी कमी नहीं है। 220-230 स्क्वायर फीट तक का आपका रूम है, एक अच्छा बड़ा रूम भी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको लाउडनेस को लेकर, दोनों ही रूम फिल कर देंगे अच्छे खासे, लेकिन लाउडनेस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी। दोनों ही सिस्टम लाउडनेस आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी, दोनों सिस्टम काफ़ी अच्छे लाउड हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वोकल्स की। देखिए वोकल्स एंड क्लैरिटी की बात करूँ, यहाँ क्लियर कट विनर बोट है, और उसका रीज़न है इसका ट्रैवल। इसमें ट्रैवल है और हायर फ्रिक्वेंसीज सोनी के मुकाबले ज़्यादा अच्छे हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंट की साउंड बोट में ज़्यादा अच्छी मिलती है। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि फीमेल वॉइस आपको बोट में ज़्यादा अच्छी मिलेगी देन सोनी,
अब उसका रीज़न क्या है? देखिए, मेल और फीमेल की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, फ्रिक्वेंसी बैंड उनकी आवाज़ की, वो अलग अलग होती है। मेल की होती है 100 से 150 और फीमेल की होती है 150 से 250 तक चली जाती है, ठीक है। ये फीमेल टू फीमेल खैर डिपेंड करता है। तो फीमेल सिंगर आप ज़्यादा सुनते हैं और आपको इंस्ट्रूमेंट का मज़ा लेना है तो आप बोट की तरफ जा सकते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बात बता दूँ, जब मैं बोट को अच्छा बता रहा हूँ तो मैं कंपेरेटिव अच्छा बता रहा हूँ, ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि सारे सिस्टम से ऊपर बोट है। जी नहीं, कंपेरेटिव दोनों की, क्योंकि हाँ दोनों की बात चल रही है। तो बोट सोनी से ज़्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ वोकल्स, फीमेल वोकल्स स्पेशली, एंड इंस्ट्रूमेंट क्लैरिटी, लाउडनेस में दोनों बराबर हैं। अब तीसरी चीज़ दोस्तों रह जाती है बेस। बेस किसका अच्छा है? देखिए, बेस यहाँ पर जो लाउड है वो बोट का लाउड है, लेकिन जो डीप है सोनी का डीप है, डीप बेस चाहिए आपको। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जब हम बेस की बात करते हैं तो बेस को दो टुकड़ों में तोड़ के देख लेते हैं, एक अपर बेस एक लोअर बेस। अपर बेस जो सुनाई ज़्यादा देता है, फील कम होता है, और लोअर बेस सुनाई कम देता है, फील ज़्यादा होता है। तो इसमें दोनों ही बेस, दोनों ही तरह के बेस बूस्टेड हैं, यानी कि ट्रेवल और वोकल्स के कंपेरेटिव में बेस ज़्यादा मिलेगा आपको इसके साउंड सिग्नेचर के अंदर। तो उससे दोस्तों क्या होगा, जो अपर बेस, जो लोअर बेस बूस्ट होता है तो फील ज़्यादा होता है, सुनाई कम देता है, लेकिन जो अपर बेस बूस्ट हो जाता है तो वो सुनाई भी ज़्यादा देता है, जिससे ओवरऑल लाउडनेस जो बेस की असर बूफर की लाउडनेस वो बढ़ जाती है, और ये कुछ लोगों को इरीटेट कर सकता है दोस्तों, क्योंकि आप लंबे समय तक सुनते जा रहे हैं तो कुछ लोग इससे इरीटेट हो जाते हैं, स्पेशली एट नाइट टाइम, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा करता है इसका जो बेस है। तो इस तरह का जो बेस होता है दोस्तों, जैसे पार्टी वगैरह होती है ना, उसके लिए तो परफेक्ट रहता है। अगर आप छोटी मोटी पार्टी कर रहे हैं तो हाँ, उसके लिए इस तरह का बेस परफेक्ट रहता है। बाकी ये आपकी मर्जी है, अगर आपको एक बेस बूस्टेड सिस्टम चाहिए और बस आप चाहते हैं कि लोअर बेस के साथ अपर बेस भी बूस्टेड हो, तो आप बोट को ले सकते हैं। लेकिन सोनी का बेस इन दोनों इससे बोट से ज़्यादा डीप है, और इसमें लोअर बेस ज़्यादा डीप है, अपर बेस थोड़ा सा कम उसको रखा गया है, यानी कम बूस्ट किया गया है अपर बेस को, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, ज़्यादा प्यारा लगता है जो बेस वो सोनी का है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको कनेक्टिविटी ऑप्शन ज़्यादा चाहिए तो आप बोट की तरफ जा सकते हैं, बेस ट्रेवल कंट्रोल चाहिए तो आप बोट की तरफ जा सकते हैं, आपको HDMI और ऑप्टिकल अपने LED के साथ फिट करना है तो आप बोट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको डीप बेस चाहिए तो इन दोनों में से, अगर आप केवल बेस की वजह से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सोनी की तरफ जा सकते हैं बिल्कुल। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और जो भी हमारे लिंक से परचेज करते हैं, थैंक यू अगेन वेरी मच, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपने आप को हेल्दी रखिए, फिट रखिए, बिकॉज ये बाद में हेल्थ पहले। ओके, टाटा, बाय बाय।